इंद्रगढ़ क्षेत्र का पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा ने किया दौरा, भाजपा कार्यकर्ताओं की ली बैठक। इंद्रगढ़ तहसील क्षेत्र का आज 26 जून सोमवार को भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा ने दौरा किया। वहीं इंद्रगढ़ सुमेर गजमंडी सहित आसपास क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में आगामी 2 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कोटा दौरे को लेकर बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वहीं कोटा में होने वाली आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सभा में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता पहुंचने व कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष धन्ना लाल सैनी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष महावीर जैन, प्रहलाद महावर, हेमराज गौतम, पूर्व वार्ड पार्षद अजय कार, अनिल सैनी, आईटी सेल, मीडिया प्रभारी सुमित कहार, नवीन राठौर, बबलू सैनी, महेंद्र साहू, मुकेश पारिक, अशोक वर्मा, नितिन चावला, कपिलाडा, दुर्गेश साहू, सत्य प्रकाश पोर्टर सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ये इंद्रगढ़ क्षेत्र में जो बैठक हुई है वो किस मामले को लेकर हुई है? 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी कोटा दौरे पर आ रही हैं, जिसमें राजस्थान की जो ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए जो अशोक गहलोत की जो गलत नीतियां हैं उसको उजागर करने के लिए एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेगी। उस सभा के सफल आयोजन के लिए आज हमने इंद्रगढ़ के कार्यकर्ताओं की बैठक करी है, और जिसमें पूरे इंद्रगढ़ क्षेत्र के जितने भी आसपास के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के उस बैठक में भाग लेंगे। और मुझे पूरा जिस तरह कार्यकर्ताओं में जोश है उसको देख के लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐतिहासिक बैठक होगी, जिसमें हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी पधारेंगे।